वेलकम टू लवली वर्ल्ड। दोस्तों आज व्हाट्सएप कितना फेमस, पॉपुलर और ट्रस्टेड ऐप बन चुका है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100% एंड्रॉइड यूजर में से 75% लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट्सएप के कुछ ट्रिक्स, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम किसी पर मैसेज करें और वहाँ ब्लू ट्रिक न ऑन हो, मतलब वहाँ ब्लू ट्रिक न दिखाए, हम मैसेज सीन भी कर ले तो वहाँ ब्लू ट्रिक न भरे, तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले व्हाट्सएप के इंटरफेस पर आएंगे, उसके बाद से सेटिंग में आएंगे, उसके बाद से अकाउंट में, उसके बाद प्राइवेसी और रीड रिसिप्ट का जो ये ऑप्शन है इसे हम बंद कर देंगे। इसे बंद करने पर वहाँ ब्लू ट्रिक नहीं बनेगा, आप देख भी लेंगे मैसेज पर भी। प्रूव करने के लिए मैं किसी पर हेलो लिखता हूँ। मान लीजिए हमारे पर्सनल अकाउंट पर हम हेलो लिख रहे हैं। देखिए हेलो लिखे और हेलो लिखे, उसके बाद से यहाँ मैसेज आया, हम इसे टैप किए, हेलो लिखा हुआ आ रहा है मैसेज, हम भी बोल दिए मान लीजिए हेलो। और देखिए यहाँ हम सीन कर लिए हैं, लेकिन इस पर दिखाई नहीं देगा कि हमने सीन उसने सीन किया है। देखिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने सीन किया है। ट्रिक नंबर 2, स्टेटस हाइड। दोस्तों आप में से ज़्यादा लोग को ये तो ट्रिक पता ही होगा कि आप स्टेटस हाइड करके भी लगा सकते हैं, मगर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे ये ट्रिक अभी तक नहीं पता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्टेटस हाइड कैसे होता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही आदमी के लिए एक स्टेटस लगा दें तो ये भी हो सकता है। यदि आपका ऑप्शन माई कॉन्टेक्ट पर है, आपका ट्रिक माई कॉन्टेक्ट पर है, तो आप स्टेटस कोई भी लगाएं सभी को दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक पर्सन को दिखाई दे, यदि मैं चाहता हूँ कि आकाश को सिर्फ ये दिखाई दे, सिर्फ अभिषेक को दिखाई दे, अभिषेक नवानगर को, तो यहाँ से हम ऑन कर लेंगे इसे। वैसे अब स्टेटस जो भी लगाएंगे वो सिर्फ अभिषेक पर ही जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक आदमी को छोड़कर और सब पर जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि आकाश को छोड़कर और सब पर ये स्टेटस जाए, तो ये भी हो सकता है। हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टेटस प्राइवेसी में जाते हैं, उसके बाद से अगर हम चाहते हैं किसी एक आदमी को ये स्टेटस दिखाई दे, तो इसके लिए हम ओनली शेयर विद। अब मान लीजिए हम हमारे पुराने अकाउंट पर ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम आकाश पर ट्रिक मार दिए और यहाँ से रन हो गया, हम चाहते हैं हम हेलो लिखेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ आकाश को ही दिखाई देगा। देखिए हम हेलो लिखे यहाँ पे और ये हमारे नया पर्सनल अकाउंट है, इस पर एक स्टेटस का चिन्ह आ जाएगा। देखिए यहाँ स्टेटस का चिन्ह आ गया और देखिए यहाँ सिर्फ हेलो दिखाई दे रहा है, सिर्फ हम ही को दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा। दोस्तों यदि आप बिना ऑनलाइन आए हुए ही किसी पर मैसेज करना चाहते हैं तो ये करें, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। Who do you want a message? Akash. Sure. What's the message? Hello. Sending your message to Akash saying hello. दोस्तों देखिए हमारे पर मैसेज आ गया होगा, देखिए अभी मैसेज आएगा हमारे पे, देखिए मैसेज आ गया कि होम के द्वारा मैसेज किया गया है। इस तरह आप बिना ऑनलाइन आए ही, देखिए 5:25 पर ऑनलाइन लिखा रहा है, 5:27 अभी टाइम हो रहा है, इस तरह बिना ऑनलाइन आए ही आप किसी पर मैसेज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम बिना ऑनलाइन आए ही किसी का मैसेज देख ले, रीड रिसिप्ट से तो ये होता था कि हम ऑनलाइन आते थे और मैसेज देखते थे, लेकिन उसको ब्लू ट्रिक नहीं ऑन होता था, लेकिन यहाँ एक ट्रिक ये है कि यदि आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन बिना सीन कराए ही हम मैसेज देख ले, तो इसके लिए आपको नेट बंद करना पड़ेगा और एयरप्लेन मोड ऑन कर लीजिए और जो भी मैसेज देखिए, मैसेज एक आया है मैसेज वो देख सकते हैं। देखिए मैसेज हेलो का था और हम यहाँ से रिसेंट टास्क में से हटा देंगे, हम देख लिए और उसके बाद से एयरप्लेन मोड ऑन कर लेंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों वो स्टेटस हाइड करने वाला ट्रिक स्पेशली मेरे दोस्त के लिए था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा डिसलाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें अपना। बहुत सारा ध्यान रखें, टेक केयर।